ऑल राइट गाइस, तो वी हैव युवराज एस्थेटिक जो कि मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया और कौन से टाइटल, मिस्टर स्वीडन वाइज, महाराष्ट्र आइस, मिस्टर वर्ल्ड सिक्स एंड मिस्टर एशिया। तो आप कितने साल से कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग? बॉडी बिल्डिंग अब 7 साल हो गए। ओके, तो 7 मतलब 7 साल से ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो मैं उनसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लूँगा। तो आपने कैसे आपका जर्नी स्टार्ट किया था? बेसिकली मेरे पापा बॉडी बिल्डिंग किया कर रहे थे पहले, तब कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डिंग उन्होंने नहीं करी। तो घर में पहले से ये माहौल था कि डाइट करना, वर्कआउट करना, उन्होंने तब कम्पीट नहीं किया हालांकि, लेकिन बचपन से था। तो मैं बचपन में ब्रूस ली की मूवीज देखा कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा सेलेटेड था मैं, मेरे एथलेटिक फिजिक्स थी। हमारे घर के पास अगर आप देखोगे, कोई भी घर या स्कूल के पास वो डबल बार सिंगल बार रहता है, तो उसके ऊपर मैं वर्कआउट किया था। तो एथलेटिक फिजिक्स जैसे बढ़ता गया, तो फिर आर्नोल्ड की मूवीज आने चालू हो गई, जैसे कमांडो मूवी, जैसे उसको देख देख के मैं इंस्पायर हो गया और उस तरह से मैं बॉडी बिल्डिंग में आ गया। ओके, तो लाइक जैसे जैसे आपने जर्नी स्टार्ट किया, तो फर्स्ट टाइम जब आप कॉम्पीट किए तो आपको कैसा फील हुआ? यस, जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो मुझे कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डिंग के बारे में इतना कुछ मालूम है, जो बस फिजिक चाहिए। ओके, तो फिजिक बना तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट सेकेंड ईयर जब मेरा डिग्री में एडमिशन हुआ डिप्लोमा के बाद, तब वहाँ पे मुझे पता चला कि शिवाजी यूनिवर्सिटी जिससे मैं पास आउट हूँ, वहाँ का बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन रहता है, जैसे एक स्पोर्ट करके उसको नोट किया जाता है। तो उस कॉम्पिटिशन में मैंने कम्पीट करा और तब मेरा वेट था कुछ 51-52 kg, और फर्स्ट कैटेगरी जो 55 kg कैटेगरी रहती है बॉडी बिल्डिंग, वो मैंने कम्प्लीट करी और उसमें मैंने गोल्ड ले लिया। तो ऐसे कॉम्पिटिशन का सिलसिला चालू हुआ, मैं लगातार दो कॉम्पिटिशन से अलग मतलब एक रो में जीतता गया, और जो चौथा था उसमें प्लेसिंग नहीं बैठी थी, तो बहुत बुरा लगा था मुझे। तो जैसे कि जब फर्स्ट कॉम्पिटिशन से आपका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने अभी रिसेंटली आपका जो एशिया का कोचिंग देखा था, एकदम कॉन्फिडेंस वो नेक्स्ट लेवल था, वो देख के मैं हर टाइम मोटिवेट होता हूँ कि बस इतना मोटिवेशन चाहिए। बाकी में बॉडी बिल्डिंग का दो फेज रहता है, जो कि एक गेनिंग का रहता है और एक कट का है। तो गेनिंग में क्या होता है कि आप थोड़ा मोटे लगते हो, और कटिंग के टाइम आप थोड़ा आपका फेस हो गया, बॉडी आपका वो हो जाता है। तो मैंने भी रिसेंटली अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है कि कटिंग के टाइम क्या क्या करना पड़ता है ये वो, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। हालांकि कैसे होता है, एक तो आप एकदम बहुत पतले होते हो शुरू से और आप अचानक से गेनिंग कर लेते हो, या फिर अलग बात होती है आप पहले मोटे होते हो फिर आप पतले हो जाते हो, राइट? कई बार होता है, जैसे मैं अभी प्रोफेशनल जिस मैंने कहा 7 साल से कर रहा हूँ, मेरे साथ ये कई बार होता है जब मैं गेनिंग में होता हूँ, तो पूरा गाल वगैरह ऐसा भर जाता है, क्योंकि आप हाई कैलोरीज पे होते हो, आपके मसल मास आपको बढ़ाना होता है, लेकिन जैसे हम कटिंग पे जाते हैं आपको ये जो सारा कैलोरीज है वो कट करना पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, अगर आप गेनिंग पे खा रहे हो समझो 4000 कैलोरीज, तो कटिंग या फिर कॉम्पिटिशन के टाइम पर आपको कई बार 1000 कैलोरीज पे आना पड़ता है, तो 4:1 का मतलब जहाँ पे आप ये कर रहे हो ना, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी पहले टंकी फुल होती है, बाद में आपको टंकी में बहुत कम पेट्रोल रहता है, ठीक है, वो टाइम पे कैसे आपको वो वाला परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जो आप पहले फुल टंकी पे मिलता है। सिमिलरली जैसे आप कटिंग करते हो तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाता है, आपका वर्कआउट बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो टाइम पे आपका गाल भी है सब अंदर चला जाता है, पूरा मसल श्रिंक होता है, श्रिंक हो जाता है। देखो अगर आप रेसलिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा हाई कैलोरीज पे रहना पड़ता है, तो आप एनर्जी के लिए कार्ब्स लोड करना पड़ता है, और बॉडी बिल्डिंग में जो मसल शो करना होता है इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हम एक स्कल्पचर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति से नहीं बनाई जाती है, पहले मूर्ति उससे मूर्ति नहीं बनाई जाती, उसको पहले दगड़ लेना पड़ता है, ठीक है, आप हिंदी में दगड़ कहते हो, मराठी में दगड़ कहते हो, स्टोन लेना पड़ता है, वो स्टोन से उसकी कार्विंग चलती है। सिमिलरली आप जब गेमिंग में होते हो तो आप समझ लो आप एक स्टोन हो, तो आपको उसको कार्व करके मतलब वो स्टोन के जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं आपको निकालने पड़ते हैं, तो पूरा फेज में आप पूरे श्रिंक हो जाते हो। कई बार मुझे भी लोग कहते हैं कि भाई कुछ गलत हैबिट वगैरह लगा ली क्या, या फिर आप बीमार हो क्या, तो वो ऐसा नहीं होता है, और ऊपर से भी सर भाई अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है और अगर आपको लोग ये कहना चालू कर, तो आपको बहुत बुरा लगता है, वो जो नहीं मीम था दिल से बुरा लगता है भाई, वो सिमिलरली वैसे हालत हो जाती है,
एक तो हम इतने ज्यादा पेन में होते हैं, पेन क्यों होता है, आपका जो वर्कआउट है वो नेक्स्ट लेवल का होता है और आप फ्रिक्वेंट वर्कआउट करते रहते हो, जिससे कि अगर आप ब्रीडिंग में हो आप एक घंटा करोगे, कटिंग में तो वो दो तीन घंटे तक चला जाता है, और ऊपर से आपका जो कैलोरीज है, आपके जो डाइट है वो कम हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर हमारे ब्रेन को कार्ब्स कम मिलेंगे तो ब्रेन चिड़चिड़ा हो जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उसी टाइम पे अगर लोग ये कहना चालू कर दें तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके इस वीडियो के माध्यम से कि जो कोई इसे देख रहा है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा सा भी नहीं जानते तो ये मेरे लिए आप ये वीडियो देखना, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि ये सब फेजेस रहता है इस बॉडी बिल्डिंग के लिए। बस मुझे यही एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी ट्रांसफॉर्म किया, तो बहुत सारे लोग, मैं डाइट के हिसाब से तो मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन लोग आ रहे हैं, मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ या फिर मैं जैकेट पहन के जा रहा हूँ, स्पेशली जब ट्रेडमिल करते हैं तो मैं स्वेटर पहनता था, तो लोग आके बोल रहे तो क्या गर्मी में इतना स्वेटर पहन रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, तो उसी टाइम आपको स्ट्रांग रहना है तभी आप कुछ कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप दूसरों की बातों को अगर आप अपने दिमाग में लोगे तो आपका फोकस हट जाएगा, अगर आप ये गेम में पड़े हो तो आपको जो घोड़ा रहता है जिसके ऊपर ऐसा लगा रहता है वैसे ही आपका लेजर शार्प फोकस होना जरूरी है, या फिर ये पॉसिबल गेम नहीं है। और बस यही क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए था, बाकी हम आपसे सीखते रहेंगे आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा बहुत ही बढ़िया था, मुझे लगा नहीं था, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आप एक शेप में होते हो, ठीक है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आप एक शेप में रहते हो, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको जीरो का मार्कर नहीं रहता है, आप नेगेटिव में रहते हो, क्योंकि मैंने आपका देखा आपका पेन बहुत ज़्यादा निकला हुआ था और मुझे ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन आपने वो नेचुरली करके दिखा, इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब कुछ यूज़ किया, लेकिन मैं एकदम नेचुरल किया ये, और आगे टाइम में देखूंगा अगर मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा तो मैं जो कुछ भी यूज करते हैं इसके लिए प्रोफेशनली उसमें भी जाएंगे, लेकिन जब तक मैं नेचुरल पुश करूंगा, जब तक मैं नेचुरल पुश कर सकता हूं अपने आप को वहां तक करूंगा। यस बिल्कुल, मैं इसी वीडियो से और एक कहना चाहूंगा लोगों से, देखो मैंने कुछ 7 ईयर्स बॉडी बिल्डिंग करी, जिसमें 5 साल मैंने खुद नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करी है, देखो एक टाइम आता है जब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ता है, क्योंकि ये देखो एक ये समझ लो कि अगर आप फरारी की रेस में हो तो आपको फरारी लेके उतरनी चाहिए, अगर आप कोई इनोवा की रेस में तो आपको इनोवा लेनी चाहिए, कई बार लोग क्या करते हैं इनोवा की रेस में आपको फरारी उतार देते हैं जो कि अच्छा नहीं है, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस हिसाब से प्लान कर रहे हो, जिस हिसाब का आपके पास एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन रखो, ठीक है, तो ये कभी भी अच्छा नहीं होता कि इनोवा के रेस में आप फरारी को उतारो, कई जो बॉडी बिल्डिंग के लोग हैं उनको ये पता चल जाएगा कि ये फरारी और इनोवा की इस बारे में बात कर रहा हूँ, बेसिकली ये है नेचुरल और एनहांस बॉडी बिल्डिंग के बारे में। और देखो अगर आप बॉडी बिल्डिंग लॉन्ग पीरियड के लिए करना चाह रहे हो, अगर आपका गोल है कि लॉन्ग पीरियड में बॉडी बिल्डिंग करना है, तो मेक श्योर कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, फाउंडेशन स्ट्रांग हो मतलब कि आप नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपने आपकी नेचुरल की जो लिमिट है वो आपने अचीव कर ली हो, उसके बाद जो ये बाकी सारा चीज़ है वो भी प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर आपको करने का ज़रूरत है। तो बस यही था, इनसे मेन टॉपिक पे बात करना था, तो आज हो गया फाइनली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।